मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें हिमाद्री सिंह का भी नाम है, जो मात्र 3 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई। उन्हें बीजेपी ने शहडोल से टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव की टिकट को लेकर भाजपा की ओर से चल रहे प्रत्याशियों के नामों को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। हाईकमान ने शहडोल से सांसद ज्ञान सिंह की टिकट काटने के साथ ही हिमाद्री सिंह के नाम पर मुहर लगाई है। वे कांग्रेस की पार्टी की तेज तर्रार नेता मानी जाती थीं। दिलचस्प बात यह है कि हिमाद्री के पति नरेंद्र मरावी हिमाद्री की माँ राजनंदिनी से 2009 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। सांसद ज्ञान सिंह का टिकट कटने की चर्चा पिछले काफी समय से राजनीतिक गलियारों में थी। हाल ही में कोर्ट द्वारा सांसद का चुनाव शून्य घोषित करने के बाद टिकट कटना तय माना जा रहा था। हिमाद्री सिंह का नाम तय होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हिमाद्री सिंह को युवा आदिवासी नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए लड़ने वाली हिमाद्री अब कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में उतरेंगी। वहीं पार्टी का कहना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसे टिकट दिया जाता है, लिहाजा हिमाद्री जरूर जीतेगी। टिकट काटना जैसी बात नहीं है, क्रमबद्ध सभी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। ये धीरे धीरे चीज़ें, पीढ़ियाँ बदलती हैं, बदलाव आते हैं राजनीति में, परिवार में भी आते हैं, राजनीति में भी आते हैं, चुनाव में भी आते हैं। चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको कई मापदंडों के आधार पर निर्णय करके मैदान में उतारा जाता है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि कांग्रेस में असफल हुई हिमाद्री क्या बीजेपी का झंडा बुलंद कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।